तलाक आपके और जारा के बीच का मसला है, मगर हम ये जानना चाहते हैं कि आपने क्या फैसला लिया है। ये सच है कि जारा, जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो, हमारी जिंदगी गुलजार हो गई। कभी एक बात बताओ हमें, तुमने पार्टी में जो कुछ भी कहा वो सच था या तुम हम पे डोरे डाल रहे थे? तलाक के बारे में सबने हमसे पूछ लिया जारा, बस एक तुम ही हो जिसने कुछ नहीं पूछा। हम जानना चाहते तलाक के फैसले के बारे में तुम हमसे क्यों कुछ नहीं पूछ रही हो, बोलो। हम तुमसे क्या पूछे कभी? तुम हमसे इतनी बार कह चुके हो कि तलाक का फैसला तुम्हारा खुद का है। हमें तो बस एक मौका दिया गया है कि हम तुम्हें ये साबित कर सकें कि तुम्हारे तलाक का फैसला गलत है। हम हर वक्त, हर दिन, हर पल बस इसी कोशिश में जुटे हैं कि तुम्हें ये बता सकें कि एक बार तुम हमसे शिकवा तो करते, हम तलाक की नौबत ही नहीं आने देते कभी। तुमने हमसे कोई शिकायत नहीं की, तुमने हमसे कुछ नहीं कहा। कबीर, हम तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, तुमने हमें धोखा नहीं दिया, हमारे प्यार का फायदा नहीं उठाया। हमारी मेहर की रकम अदा करने के लिए तुमने मिराज से उधार लिया, लेकिन एक बार हमसे कहते तो हम उसी वक्त तुमसे कहते थे कि तुम गलत कर रहे हो। खैर, मिराज को तुमने पैसे वापस कर दिए, वो मसला तो हल हो गया। कबीर, हमने तुम्हारी जमीन अपने पास सिर्फ इसलिए रखवाई ताकि तुम मिराज को रकम दे पाओ। वैसे जारा, तुम्हारे अबू के तोहफे के बारे में क्या सोचा तुमने? हमारा मतलब है, नायब काजी का जो ओहदा है उसे कबूल करोगी या नहीं करोगी, क्या सोचा तुमने? हम सोच रहे हैं कि तलाकशुदा औरत होने से अच्छा है हम नायब काजी बन जाए शरिया बोर्ड के। अस्सलामुअलैकुम राजदी। वालेकुम अस्सलाम। कल हमारे जाने के बाद क्या हुआ खालिद? कल शहबाज भाईजान की बहुत बहुत बेइज्जती हुई। उसके बाद कबीर भी आपको छोड़ेंगे नहीं और शहबाज भाईजान। हमें शहबाज से कोई डर नहीं है, शहबाज सिर्फ और सिर्फ पैसों का लालची है। कोई और मशवरा देना। एक बात और बतानी, बहुत जरूरी थी आपको। क्या है कि काजी साहब ने जारा बीवी को नायब काजी बनाने का ऐलान कर दिया है। ये बात आप बता रहे हो तुम हमें? आप भी तो अभी खुले हैं हमसे। वो क्या है कि अंदर की बात है, काजी साहब जारा बीबी को नायब काजी बनाने की ठान चुके हैं और उसके लिए कबीर मियां को नायब काजी से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। क्या बात है, हाँ, जारा और कबीर नायब काजी। भाई वाह, मजा आ गया ये तो। हाँ, नीलोफर को लेकर अभी, कल जो कुछ भी हुआ वो तो एक
ट्रेलर था खालिद, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। कबीर, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। जरूर, क्या बात करनी है? कुछ अहम फैसला लेना है जिस पर तुम्हारी राय चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम अभी बात करें, बाद में भी कर सकते हैं। ज़ारा, हम कुछ समझे नहीं, तुम कहना क्या चाह रही हो? साफ साफ कहो। शरिया बोर्ड से इस्तीफा देने की बात, तो ये बात छोड़ दे या जारी रखे? कल रात को ही तुम नायब काजी बनने के बारे में सोच रही थी, नहीं सोच रही थी, और अब ये इस्तीफे की बात कहाँ से आ गई? हम जानते हैं कि तुम उदास हो कि हमें भी नायब काजी बनाने का फैसला लिया जा रहा है, और हम लड़की हैं, हम जानते हैं कि एक लड़की होकर एक तुम्हारे साथ नायब काजी कैसे बन सकते हैं। नहीं, बात यहाँ उदास होने की नहीं है, ये फैसला ना हम दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला है। इसके बाद तुम क्या करोगी, हम क्या करेंगे, हमें खुद को नहीं पता। लेकिन हम इतना जानते हैं कि इसके बाद तुम अपना जूस पियोगे और तैयार होगे। वैसे सोचा है कुछ? किस बारे में? आज के दिन के बारे में, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आज हम अपना एक घंटा अलीना को देंगे। अलीना बड़ी हो रही है और बहुत समझदार भी, जिम्मेदारियां समझना चाहती है। तुम्हें पता है यार, जब अलीना पैदा हुई थी, अल्लाह की कसम वो हमारी जान बन गई, और ना सिर्फ हमारी, पूरे खानदान की। उसका ख्याल रखना। हमारा फोन दिखा। कबीर, हम चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द फैसला लें कि शरिया बोर्ड से इस्तीफा देना चाहिए या नहीं। प्लीज हमारी मदद करो। अम्मी, हम कल से आपको कुछ बताना चाह रहे थे, पर उस हंगामे ने हमें इजाजत ही नहीं दी। आप जानती हैं, कल की पार्टी में ना हमारे दिल्ली के रिश्तेदार आए थे। अच्छा? उन्होंने हमारी अलीना को देखा और देखते ही पसंद कर लिया। वो अपने लड़के का हाथ हमारी अलीना के लिए मांगना चाहते हैं। लड़का लंदन में पढ़ता है, बहुत बड़ा खानदान है, बहुत ऊँचे लोग हैं। हमारी अलीना बहुत खुश रहेगी। हमें लगता है कि अलीना के अब हाथ पीले कर देने चाहिए। कैसी बातें कर रही हो जीरा, अलीना भी बच्ची है, उसकी तालीम तो पूरी हो जाने दो। नहीं नहीं, अलीना के शादी का फैसला हम इतनी जल्दी नहीं ले सकते। हम कहां से कह रहे हैं कि फौरन शादी कर दीजिए। लड़का अभी लंदन में है, पढ़ाई कर रहा है, शादी का वक्त आते आते तो 2 साल लग जाएंगे। बहुत अच्छा रिश्ता है, हमें ऐसे रिश्ते को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। हमारी अलीना बहुत खुश रहेगी। ठीक है, हम तुम्हारे अब्बू और कबीर से बात करेंगे, मगर हम जानते हैं कबीर की मंजूरी के बगैर कुछ नहीं होगा। अलीना के मामले में कबीर की राय लेनी बहुत ज़रूरी है, दोनों भाई बहनों में बहुत प्यार है, और अलीना भी वही करेगी जो कबीर कहेगा। सही कहा आपने, बहन को वही करना चाहिए जो भाई उसके लिए सोचता है। पर ज़्यादा पढ़ लिख के हो भी क्या जाएगा हमें, आखिर में हर लड़की को आपकी और मेरी तरह इस तरह सब्जियां तो काटनी है किचन में। स्कूल कॉलेज की डिग्री तो आसानी से मिल जाती है अम्मी, अगर अच्छा रिश्ता वो आसानी से नहीं मिलता। ये पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में अलीना की जिंदगी मत बर्बाद कर दीजिएगा। आप अब्बू से बात करेंगी ना? ठीक है, बात करके देखते सर। अम्मा, कहीं मटर गश्ती नहीं हो रही है। हम ना अलीना को उसको रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं।
अच्छा मारते हैं, हम कमरे में जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम लोग चलो, मैं कुछ खाने के लिए भिजवाती हूँ। नहीं नहीं, कुछ खाने के लिए नहीं, हम इतना खा के आए ना, अब खा लिए तो चलते नहीं बनेगा। नहीं, नहीं, अलीना आइए, मैं कुछ भिजवाते हैं। अम्मा, नहीं, अच्छा हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी। आओ हमारा कमरा देखो। आदाब बीबी। आदाब। शहबाज भाईजान को बुला दीजिए, हमें कुछ जरूरी काम था उनसे। माफ कीजिएगा पर अब्बू घर पे नहीं है, वो कबीर के साथ बाहर गए हैं। यही मौका है नीलोफर को यहाँ से ले जाने का। ओ भाईजान को भी अभी बाहर जाना था, अब बहुत जरूरी काम था। अगर आप बुरा ना माने तो हम लोग यहीं पर इंतजार कर ले। जी जरूर जरूर, आप तशरीफ रखिए, हम आपके लिए चाय लेकर आते जी। बैठिए जी। सुनिए जी, वॉशरूम कहाँ है? वाह जी, शुक्रिया। आप तशरीफ रखिए। जी जी जी, हम बस दो मिनट में आए। आजे। कहाँ चल रही है आप? अब मुझे लगा कि अभी भाईजान को आने में टाइम लगेगा, हम लोग बाद में आते हैं। अरे लेकिन हमने आपके लिए चाय बनाई है, चाय पी के तो जाइए। लीजिए, ये लीजिए आपकी चाय। जी शुक्रिया। अच्छा अच्छा, इजाजत दीजिए जी। खुदा खुदा। चलो हम अब्बू को बता देंगे कि आप आए थे। जी जी जी। हम अभी तो आपके साथ चल रहे हैं, लेकिन हमें एक घंटे में कैसे भी करके वापस आना होगा। बिल्कुल। उड़ाए आंगन इस खबर से, वो खुशबू लौट आई सफर से। खुशामदीद। रास्मिया, हम अपनी जान पे खेल के आपके सामान की डिलीवरी कर दिए। आपके पास एक घंटा है, आपको जो बात करनी है आप कर लीजिए। शहबाज भाई जान के आने से पहले आपके सामान को वापस पहुंचाना है। हम बाहर इंतजार करते हैं, आप देर मत कीजिएगा। हमें अच्छा लगा ये सुनकर कि आप हमारा इंतजार कर रहे हैं। अभी आए, देर नहीं हुई और लगी पटर पटर करने। हाँ नीलोफर, तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। शहजादियां काम नहीं करते मिराज साहब। अब देखिए ना, कबीर के यहाँ हमें राजकुमारियों की तरह रखा जा रहा है और आप हमसे काम करवा रहे हैं। बहुत गलत बात है मिराज। ज्यादा मुंह मत चलाओ समझे, पर ना भी तुम्हें हम पुलिस के हवाले कर देंगे। तो ये भी याद रखना कि अगर पुलिस हमें पकड़ कर लेकर गई, हम तुम्हारे बारे में क्या क्या कहेंगे भूलना मत। अपनी धमकियां अपने पास रखो, समझे? नीलोफर, हमारा काम कर दो, अल्लाह कसम हम तुम्हारा मुंह पैसों से भर देंगे। हम किसी भी कीमत पे कबीर को जीतने नहीं दे सकते। नीलोफर, हमारी मदद कर दो। तमीज से मांगोगे तो नीलोफर अपनी जान भी दे देगी,
बताओ क्या मदद करनी है तुम्हारी? तुम्हें जारा से दोस्ती करनी होगी। जैसे ही कबीर तलाक देने का फैसला वापस ले ले, तुम्हें सही मौका देकर जारा को जान से मारना होगा। बदले में ये हीरे तुम्हारे। चलते अल्लाह। अल्लाह हाफिज। आपसे ली जाने वाली तालीम का पहला दिन ना हम आप ही के कमरे में बिताना चाहते थे, क्योंकि हम भी सारा सिद्दीकी बनना चाहते हैं। पता है भाभी, घर में तो सब हमें आज भी बच्चा समझते हैं, पर हम इतने भी नादान नहीं है कि हम घर के हालात ना समझ सके। भाभी, हम अच्छे से जानते हैं कि घर में आपके साथ क्या हो रहा है, और बचपन से ना सिर्फ कबीर भाई को ही अपनी जिंदगी का टीचर माना था, पर आप तो हमारे लिए आइडल हैं। और सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारी क्लास की सभी लड़कियां, हमारे सभी फ्रेंड्स आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं। आप उन सब के लिए एक मोटिवेशन है भाभी। आपको देखकर उन सबको हौसला मिलता है। भाभी, हम भी आपके जैसा बनना चाहते हैं, जिसे देखकर लोगों को खुशी हो, बात करने का मन करे और लोगों को हौसला मिले और हमारा खूब नाम हो। वैसे भाभी, आज का हमारा पहला सबक क्या है? आज का हमारा सबक है सोच। सोच? अलीना, सोच बदलना ना बहुत जरूरी है। हम लड़कियों को ऐसा जताया जाता है जैसे समाज में हमारी कोई अहमियत ही नहीं है। जब लड़कियां उम्र के एक खास पड़ाव पे पहुंच जाती है ना, तब उनके दिल में ना खौफ डाल दिया जाता है, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं, और इन सब के कारण लड़कियां वो नहीं कर पाती जो उनके लिए सही है, और फिर उन्हें छुपे रहना होता है। लेकिन बात तो तब है जब छुपे रहकर भी हम दुनिया को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाएं। ठीक उसी तरह जैसे खाने में नमक पोशीदा होता है लेकिन खाने का जायका बदल देता है, उसी तरह हमें भी कसम खानी चाहिए दुनिया बदलने की। अलीना, हमारे अंदर ताकत है दुनिया बदलने की, बस देर है तो अपने आप को पहचानने की। और बदलाव का सफर शुरू होता है घर से, घर के बाद शहर से, शहर से जिले से, और जिले से मुल्क तक, और फिर इनकलाब का रंग पूरी दुनिया को अपने रंग में रंग देता है। अल्लाह, आपने तो कितनी बड़ी बात बोल दी है। भाभी, क्या हम इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं? अब आपका जो वो लास्ट थॉट था ना, वो हमने पोस्ट किया था, उस पे हमें खूब सारे लाइक्स मिले थे। अलीना, ठीक है डाल देना, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हारे भाईजान इस सब की इजाजत देंगे? हम भी चाय पी सकते हैं? हाँ बेटा, क्यों नहीं? हमें ना घर पे चाय पीने की इजाजत ही नहीं है। सब बोलते हैं कि बच्चों को चाय नहीं पीनी चाहिए। आधा कप पी सकती हो? तब ठीक है, आधी पीना। भाभी, आप नायब काजी कब बनेंगी? हमने कुछ सोचा नहीं है अभी इस बारे में। तो फिर सोचिए ना भाभी, अगर आप नायब काजी बनेंगी तो हमें और हमारे दोस्तों को बहुत खुशी होगी।
हाँ बेटा जारा, अलीना बिल्कुल ठीक कह रही है। अलीना जैसे ना जाने कितने लोग होंगे जो आपके नायब काजी बनने का इंतजार कर रहे होंगे। हम ये भी जानते हैं कि ये फैसला लेना आपके लिए आसान नहीं है, मगर आपको जल्द से जल्द ये फैसला लेना होगा, क्योंकि लोग चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा हो जो उनकी फरियाद सुने, कायदे कानून से ऊपर उठकर दिल से दिल की बात को समझ सके। बेटा, अम्मा, आपको क्या लगता है, क्या हम लोगों के दिल की बात सुन सकते हैं? क्या करना चाहिए हमें? जरा बेटा, तुमने कबीर से इस बारे में बात की? अम्मा बात मत टालिए, आप बताइए ना हमें क्या करना चाहिए। हमें तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर कबीर की रजामंदी होगी ना तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। कबीर तो खुश नहीं है, वो साथ क्या देंगे? भाभी, क्या आपके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे भाई खुद ब खुद आपका साथ देने को तैयार हो जाए?